स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ए लंदन, बी पेरिस, सी वाशिंगटन, डी अंकारा। आंसर सी वाशिंगटन। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो 43.28 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया। नेटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न: साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आंसर ए महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम ने की। अगला प्रश्न: विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 12 जुलाई। आंसर सी 11 जुलाई। एक्सप्लेनेशन: विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1989 में मनाया गया था। यह विचार 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन है। अगला प्रश्न: किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अभिनव सिन्हा, बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सी गीता गोपीनाथ, डी नृपेंद्र मिश्रा। आंसर बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। एक्सप्लेनेशन: डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। अगला प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी चंद्रचूड़। आंसर डी चंद्रचूड़। एक्सप्लेनेशन: भारत के मुख्य न्यायाधीश CJ DY चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहुसुविधा केंद्र भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।